हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं वसा यानी फैट क्या है इसके बारे में बताऊंगी। हेल्थ एजुकेशन एंड डिजीज के अंतर्गत यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा और रोग के अंतर्गत मैं स्वास्थ्य क्या है इसकी परिभाषा के बारे में एंड विभिन्न पोषक तत्वों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल के बारे में बता चुकी हूँ। इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ दोस्तों, एंड आज मैं वसा के बारे में बताऊंगी। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कंपटीशन का तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, सीएलटी, राजस्थान, पीटीआई, झारखंड, डीएसएसबी, कोई भी स्टेट का हो, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं, चैप्टर वाइज भी दिए गए हैं, सबका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के टॉपिक, वसा यानी फैट क्या है इसके बारे में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को आए इससे रिलेटेड तो आप उसको आंसर दे सके। तो दोस्तों, वसा यानी फैट ये क्या होता है? यह हमारे लीवर, हड्डियों, पेशियों, एडिपोज उत्तक, त्वचा के नीचे, गुर्दे के आसपास एकत्र होती हैं। जैसे कि दोस्तों, वसा का जो निर्माण है वह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के भिन्न मात्रा से होता है। जैसे कि दोस्तों, वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, बट जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के निश्चित मात्रा से बना होता है, जबकि वसा जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के भिन्न मात्रा से बना होता है। जैसे कि दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कार्बन की संख्या अधिक होती है वसा में। और दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वसा का रासायनिक यानी फैट का रासायनिक नाम क्या है, तो फैट का रासायनिक नाम लिपिड है, ठीक है। एंड दोस्तों, ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो वसा होता है वो ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में टूटता है, ठीक है। किसमें बदल करके ऊर्जा प्रदान करता है वसा? ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूट करके हमको ऊर्जा देता है, और वसा जो है यानी फैट वह ग्लिसरॉल व फैटी एसिड के रूप में टूट करके ऊर्जा देता है। एंड जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में बदल करके हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलकर, वसा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदलकर, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदलकर हमको ऊर्जा देता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, जो ग्लिसरॉल होता है यकृत द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों, वसा जो है ट्राइग्लिसराइड का बना होता है, जिसमें फैटी एसिड की 3 इकाई और ग्लिसरॉल की 1 इकाई होती है। दोस्तों, 1 ग्राम वसा से 1.9.1 कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम में प्राप्त होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 एंड प्रोटीन से 4.1 एंड वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिलती है? वसा से। और सबसे जल्दी ऊर्जा किसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए किसी भी एथलीट को सबसे ज्यादा क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। एंड दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए 20-30% ऊर्जा प्राप्त हमारे शरीर को वसा से प्राप्त होता है। जैसा कि दोस्तों मैं बताई हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को 55-60% ऊर्जा मिलता है, और वसा से 20-30% और प्रोटीन से 10-15% ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो वसा यानी फैट है वह 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त वसा जिसे सैचुरेटेड फैट कहते हैं, और दूसरा असंतृप्त वसा यानी कि अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। जो सैचुरेटेड फैट होता है, जो संतृप्त वसा होता है, वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। एंड जो अनसैचुरेटेड होता है, असंतृप्त वसा होता है, वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट के बारे में। जैसे कि दोस्तों, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह सैचुरेटेड फैट ठोस अवस्था में रहता है। यह ट्राइग्लिसराइड होता है, इसमें कार्बन अणु की कोई डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, कार्बन के अणु हाइड्रोजन अणु के साथ संतृप्त होते हैं। इसमें जंतु वसाएं ज्यादातर आती हैं, जैसे कि मीट, पोल्ट्री उत्पाद, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, फल, नारियल तेल, मक्खन, ताड़ का तेल, चॉकलेट और जंतु वसा आदि आती है। अपवाद है दोस्तों मछली तेल, क्योंकि यह मछली तेल होता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, यह इसका अपवाद है, ठीक है। यह हमारे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट।
इसे असंतुलित वसा भी कहते हैं। यह हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होता है, हमेशा अनसेचुरेटेड फैट को ही खाना चाहिए। जैसा कि अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। ये ध्यान में रखिएगा, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है उसे सेचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा कहते हैं, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तरल अवस्था में रहता है उसे अनसेचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा कहते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, जिसे हमें ज्यादा खाना चाहिए अनसेचुरेटेड फैट को। अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है। जैसे कि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जब बढ़ जाता है तो हमारा जो होता है हार्ट अटैक आने की ज्यादा संभावना रहती है। हमारे जो धमनियां होती है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके रास्ते को बंद कर देता है, जिससे हमारे रक्त अच्छा से स्त्राव नहीं कर पाता है, फ्लो नहीं कर पाता है, जैसे हार्ट अटैक आने की ज्यादा समस्या होती है, मोटापा बढ़ता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है अनसेचुरेटेड फैट। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड दोस्तों यह क्या करता है स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य के लिए अनसेचुरेटेड फैट अच्छा होता है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि स्वास्थ्य के लिए कौन सा फैट ज्यादा अच्छा होता है, सेचुरेटेड की अनसेचुरेटेड। तो अनसेचुरेटेड फैट जो है स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा होता है। यह वनस्पतियों से प्राप्त वसाएं होती है, जैसे कि अपवाद इसमें नारियल तेल होता है, कम से कम 1 डबल बॉन्ड इसमें होता है दोस्तों। एंड दोस्तों अनसेचुरेटेड फैट के बारे में और कुछ हम जानते हैं, जैसे कि अनसेचुरेटेड फैट जो होता है असंतृप्त वसा जो होता है उसके दो भागों में हम बांट सकते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड जिसे जिसमें 1 डबल बॉन्ड होता है, एंड पॉली अनसेचुरेटेड जिसमें 2 या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 or more double bond। ठीक, तो जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट होता है 2 or more double bond इसमें होता है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे लिनोलोनिक एसिड 3 भी कहते हैं, और ओमेगा 6 फैटी एसिड जिसे लिनोलोनिक एसिड 6 कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के अंतर्गत बादाम, काजू, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि आता है। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, जो अनसेचुरेटेड फैट होता है यानी कि आपको बादाम, काजू, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन ये ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी लाभदायक होता है आपके शरीर के लिए। जो अनसेचुरेटेड फैट होता है ये HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कोलेस्ट्रॉल दोस्तों दो प्रकार का होता है, HDL और LDL। जो HDL होता है, जो अनसेचुरेटेड फैट होता है वह HDL को अधिक व LDL को कम करता है, यानी कि HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अधिक करता है, बढ़ाता है, और LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करता है। ठीक है, सेचुरेटेड में इसके विपरीत होता है। ठीक है, अनसेचुरेटेड क्या करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अधिक करता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं उसको कम करता है, जबकि सेचुरेटेड इसके जस्ट उल्टा करता है। LDL की मात्रा दोस्तों यदि बढ़ जाए यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा जब बढ़ जाए यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों अन्य ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस फैट दोस्तों जो होता है जो हाइड्रोजनेटेड होता है, यानी जैसे कि डालडा हो गया, वनस्पति हो गया, बेकरी उत्पाद हो गया, फास्ट फूड हो गया, पिज्जा हो गया, पकौड़े हो गया, चिप्स आदि, यह संतृप्त की तरह यानी सेचुरेटेड की तरह काम करती है। यह हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होती है, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए, यानी कि सबसे अधिक अनसेचुरेटेड फैट खाना चाहिए, जैसे कि बादाम, काजू, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, ये सब खाना चाहिए। ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट खाना चाहिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, HDL की मात्रा बढ़ा देता है। एंड दोस्तों सेचुरेटेड फैट का नियंत्रण रखना चाहिए, सेचुरेटेड फैट आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और ट्रांस फैट को तो एकदम ही नहीं खाना चाहिए, इसको एकदम प्रतिबंधित करके रखना चाहिए, जैसे कि डालडा, वनस्पति, बेकरी उत्पाद, फास्ट फूड, पिज्जा, पकौड़े, सब नहीं खाना चाहिए। एंड दोस्तों बात करते हैं वसा प्राप्ति के स्रोत। वसा दो स्रोत से प्राप्त किया जाता है, एक जंतु वसा यानी एनिमल फैट, एक वनस्पति वसा यानी वेजिटेबल फैट। जो जंतु वसा होता है एनिमल फैट होता है, उसमें मक्खन, घी, चर्बी, तेल, सभी जंतु के मांस, ठीक है, और विटामिन डी, ई, के अच्छे स्रोत होते हैं ये सब जंतु वसा। दोस्तों सबसे ज्यादा जो होता है वसा वह किसमें पाया जाता है, मक्खन में।
एंड दूसरा होता है वनस्पति वसा वेजिटेबल फैट्स, इसमें पेड़ पौधों बीजों आदि से प्राप्त होने वाली जैसे सरसों तेल, नारियल, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन तिल, ठीक तिल तथा ठोस रूप में काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ठीक है, ये जंतु वसा की अपेक्षा कम पोषक तत्व होते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं दोस्तों। एंड अब हम बात करते हैं कि वसा का कार्य क्या होता है। वसा जो है दोस्तों यह संग्रहित ऊर्जा के रूप में होता है। जैसे कि दोस्तों वसा जो होता है वो हमारे समस्त शरीर को एक प्रकार से लुब्रिकेट प्रदान करता है, हमारे त्वचा को तंदुरुस्त रखता है। जैसे कि यह लीवर, हड्डियों, पेशियों, एडिपोज उत्तक, त्वचा के नीचे गुर्दे के आसपास एकत्र होता है। यह ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि तो जो वसा यानी फैट होता है कहाँ पे एकत्रित होता है, लीवर, हड्डियों, पेशियों, एडिपोज उत्तक के नीचे, त्वचा के नीचे गुर्दे के आसपास एकत्र रहता है। एंड अंगों पर आवरण बनाकर इसकी रक्षा करता है। जैसे दोस्तों आपके शरीर में अगर वसा की कमी हो जाएगी तो आपका जो त्वचा होगा वो रूखापन हो जाएगा, उसमें आपके त्वचा में कोई शाइनिंग नहीं रहेगी, तो ये हमारे अंगों पर आवरण बनाकर इसकी रक्षा करता है, ठीक है। एंड हार्मोन व एंजाइम का निर्माण करता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, कौन सा होता है दोस्तों, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील KEDA, ठीक है, एंड जल में घुलनशील BC। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है KEDA को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य भी वसा करता है। एंड जो प्रोटीन की बचत करता है तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर वसा ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, ठीक है, प्रोटीन की बचत करता है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो जो हमारे शरीर में संग्रहित वसा होता है वह मुख्य रूप से ऊर्जा का कार्य करता है, ठीक है। वसा युक्त साइनोवियल द्रव्य जो दोस्तों हमारे दो हड्डियों के जोड़ों के बीच में द्रव्य होता है, दोनों हड्डियों को लुब्रिकेट्स प्रदान करता है कि वो हड्डियां घिसे ना, तो यह वसा युक्त साइनोवियल द्रव्य हड्डियों को फिसलने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर में गति होती है। एंड दोस्तों वसा के नीचे एकत्र होकर शरीर को सुंदर व सुडौल बनाता है, ठीक है। वसा क्या होता है, शरीर के नीचे एकत्र होकर शरीर को सुंदर व सुडौल बनाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वसा के बारे में सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों इससे बाहर वसा के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। एंड दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।